अगर आप मूवी देखने के दौरान खाने पीने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, अब मल्टीप्लेक्स में आप घर से खाना बना के ले जा सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इसके लिए आपको आंध्र प्रदेश जाना होगा। विजयवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्वेशन फॉर्म ने इसकी अनुमति दी है। विजयवाड़ा के कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी और 5 कार्यकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत से उन्होंने मल्टीप्लेक्स के अंदर दोगुनी कीमत में खान पान की चीज़ों को बेचने की शिकायत की थी। इसके लिए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किया था कि आंध्र प्रदेश में 1 अगस्त से ये नियम लागू हो जाएगा कि लोग सिनेमा घरों में बाहर से खाना ले जा सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ होते हुए निर्देश दिए थे कि राज्य में मल्टीप्लेक्स के बाहर और अंदर बिकने वाले फूड आइटम के रेट में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान मल्टीप्लेक्स मालिकों को फटकार लगाते हुए कहा था कि सिनेमाघरों में बाहर का खाना रोकने से परिवार और बच्चों को जंक फूड खाने को क्यों मजबूर किया जा रहा है। जब लोग एयरक्राफ्ट में घर का खाना ले जा सकते हैं तो थिएटर्स में क्यों नहीं। मल्टीप्लेक्स में बिकने वाले फूड आइटमों के दोगुनी कीमतों से तो पूरा देश परेशान है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं चाहती कि सिनेमा घरों में बिकने वाले फूड आइटमों पर कुछ कमी आए। कैमरामैन संजय के साथ मैं नाजनीन खान, लाइव खबर। सावन में बारिश का इंतजार हर कोई करता है, लेकिन केरल में इसी बारिश ने अपना खौफनाक कहर बरसाया है, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तिरुवनंतपुरम में बारिश लगातार अपना कहर बरसा रही है, जिसके चलते वहां बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदा सरकार के सामने चुनौती बनकर आ खड़ी हुई है। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारियों की माने तो सबसे ज्यादा इडुक्की जिले में 11 लोगों की जान गई है। बता दें कि बारिश के कारण राज्य में 24 बांधों को खोल दिया गया था, जिसके कारण इडुक्की बांध भर गया। वहीं इस मुश्किल की घड़ी में पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और लोगों से अपील की इस मुश्किल की घड़ी में वो आपस में एक दूसरे की मदद करें। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इसके लिए पीएम मोदी ने भी पीड़ितों को संभव सहायता देने की बात कही है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन की ये मदद लोगों की कितनी मदद करता है। कैमरामैन संजय के साथ मैं पली पांडे, लाइव खबर।